प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता की। ये जो प्रेस वार्ता है, विशेष रूप से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की किस प्रकार की तैयारियां आज चुनाव के समय पर हमारी हैं, हमारी टीम किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी, क्या हमारी मीडिया की कांग्रेस कमेटी के सहयोग से उनके आदेश पर काम कर रहा था। उन्होंने हमारे सारे के सारे 13,600 बूथों पर हमारे बूथ के कार्यकर्ता बीएलएस को जहां आइडेंटिफाई करने का काम किया, वहीं उनके वेरिफिकेशन और उनको ट्रेन करने का काम शुरू किया। मुझे खुशी है कि इस सब के लिए हमारे कंट्रोल रूम का जो सेटअप है, पहले छोटा था लेकिन चुनाव के महत्व को समझते हुए हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक कंट्रोल रूम का सेटअप भी किया। ये हमारा विशेष रूप से 3 जो हमारी लोकसभा है जहां पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है, सेंटर्स भी हायर किए हैं और 2 कॉल सेंटर्स में लगभग 70-70 लोग हमारी हर विधानसभा पर नजर रखने के लिए हमने वहां पर डिप्यूट किए हैं। इनका विशेष रूप से काम जो हमारा बूथ कमेटीज की वेरिफिकेशन का है वो रहेगा। इसके साथ साथ जो लोगों में सेंटिमेंट्स हैं उसको गेज करने का उनकी जिम्मेदारी रहेगी। साथ के साथ हमारा कैंपेन जो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, उसका कितना पेनिट्रेशन है, उसका कितना असर पड़ रहा है, उसके बारे में भी इस पर नजर रखी जाएगी। रोज 8 से 10 विधानसभाओं की ट्रेनिंग का कार्यक्रम पिछले 2 दिन से लगातार जारी है और इसमें हमारी निश्चित ही प्रायोरिटी रहेगी कि जो हमारी 3 लोकसभा हैं पहले, उनके ऊपर हम काम कर सकें, उनको बूथ के वर्कर्स को हम ट्रेन कर सकें। तो एक कंपोजिट प्रोग्राम हमने खासतौर पे हमारे बूथ के सहयोगियों, बूथ के वर्कर्स, हमारे नेताओं में आपसी एक बेहतर कोऑर्डिनेशन रहे। मैं समझता हूं कि इस बार दिल्ली कांग्रेस इस बात पर विशेष फोकस रखते हुए अपने इस चुनाव को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। दिल्ली के लगभग 13,600 पोलिंग बूथ और 1,47,00,000 वोटर्स का जहां हमने हमारे बूथ के वोटर्स को आइडेंटिफाई करने का काम किया है, वहीं उनके वेरिफिकेशन और ट्रेनिंग का प्रोग्राम हमने कुछ समय से रोजगारी की जगह 3M तक सिमट कर रह गया है और वो 3M है मटन मुस्लिम और मंगल सूत्र। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों तक पहुंचे, उनके सेंटिमेंट्स को जान सके और उसके अनुसार हम अपना कैंपेन को आगे बढ़ाए। साथियों, पिछले 10 साल की उनकी जुमले मोदी जी की जो पिछले 10 साल की जुमलेबाजी है, उसकी वजह से लोग जो मोदी जी की गारंटी आज जगह जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मोदी की गारंटी मोदी की नोटबंदी से आगे कुछ साबित नहीं हो पा। हाथ बदलेगा हालात, जुड़ेंगे दिल्ली के जज्बात। हाथ बदलेगा हालात, जुड़ेंगे दिल्ली के जज्बात। अब की बार भाजपा की 7 सीटों पर हार। साथियों, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव परवान चढ़ रहा है और चुनाव को प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए दिल्ली कांग्रेस कमेटी की तैयारियां भी
उसी प्रकार से मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस और एनडीए गठबंधन के सच्चे सिपाहियों ने यह ठान लिया है कि मेहनत से कमाया कभी अल्प नहीं होता, मेहनत से कमाया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। मेहनत से कमाया कभी हमने लगभग 15-15 लोगों की टीम रखी है। एक एक व्यक्ति जो उस क्षेत्र के कैंपेन, वहां पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग, उस पर नजर रखेगा। वही 3 लोग हमारे सोशल मीडिया, मीडिया और उन सभी साथियों पर नजर रखने की कोशिश करेगा कि कहां पर किस तरीके से कौन से पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, हमारे कैंडिडेट की पोजीशनिंग क्या है। उसके साथ साथ हमने कोशिश की है कि जो हमारी आइडेंटिफाइड टीम है उसके द्वारा हम 5 न्याय, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो है, न्याय पत्र और 25 गारंटियों को हर हाउस होल्ड तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसकी भी मॉनिटरिंग इस कंट्रोल रूम द्वारा लगातार की जाएगी। इसके साथ साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए